पूरे देश में चाईबासा एक ऐसा जिला है, ऐसा क्षेत्र है जहां ट्रेन के लिए, एक अदद यात्री रेलगाड़ी के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष हुआ और काफ़ी जद्दोजहद भी लोगों को झेलनी पड़ी। काफ़ी संघर्ष के बाद एक जनशताब्दी ट्रेन मिली और उसके बाद घोषणा हुई कि कहीं ना कहीं इस रूट को पूरी से सीधे जोड़ा जाएगा। तो लंबे संघर्ष और जद्दोजहद के बीच आखिरकार रविवार 15 जुलाई को चकरधरपुर पुरी एक्सप्रेस का शुभारंभ हो ही गया। रविवार को चकरधरपुर रेलवे स्टेशन से प्रारंभ हुई नई यात्री रेल को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा चाईबासा रेलवे स्टेशन में। चकरधरपुर पुरी एक्सप्रेस ट्रेन जैसे ही चाईबासा रेलवे स्टेशन पहुंची, राजनीतिक दलों और विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने फूल माला और मिठाई के साथ ट्रेन का जोरदार स्वागत किया। हालांकि नई गाड़ी के लिए श्रेय लेने वालों की लंबी कतार है, मगर यहां भीड़ की भी एक अलग आवाज है। खुशी हुई कि इतना मेहनत के बाद एक ट्रेन मिली, इसके लिए भाई ये डिपार्टमेंट को भी बधाई हो। हमारी जनता हमें मदद किया, इसके लिए हमारी जनता को भी इसकी शुभकामना है, बधाई। ये ट्रेन जो चेकपानी, केंद्रकोसी, मालुका, नवामुंडी और बड़ा जामदार रुके ताकि जनरल पब्लिक को फायदा। ट्रेन के आने का उत्साह और उत्साह से लबरेज लोग, लेकिन इन सब के बीच श्रेय लेने की होड़ में झंडे का झगड़ा भी हमें दिखाई दिया और विभिन्न जो दलों के लोग थे सब अपना अपना झंडा लगाना चाहते थे। हालांकि जेएमएम और बीजेपी गठबंधन की सरकार है, फिर भी जो दृश्य आप देख रहे हैं अभी टीवी स्क्रीन पर, उसे देख कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झंडे का झगड़ा भी ट्रेन के उत्साह के बीच लगातार चलता रहा। झंडे के झगड़े से दूर चकरधरपुर के विधायक लक्ष्मण गिलवा का कहना है, चकरधरपुर पूरी ट्रेन सभी लोगों के सार्वजनिक प्रयास का नतीजा है और जगन्नाथपुर की विधायक गीता कोड़ा ने ट्रेन के लिए सभी आंदोलनकारियों को धन्यवाद देते हुए थैंक्स टू ऑल फॉर द ट्रेन कहा है। कम और 3 ट्रेनें चाहिए इस क्षेत्र के लोगों को सुविधा।